हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाऊंगी अरबी की सब्जी नए ट्विस्ट के साथ। एक्चुअली अभी मुझे लंच के लिए मैंने प्रिपेयर करना था, तो मैंने सोचा अरबी की सब्जी बनाते हैं। और मैं जिस तरह सब्जी अरबी की सब्जी बनाती हूँ, मुझे लगा आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर लेती हूँ, शायद आपको भी मेरा तरीका बनाने का अच्छा लग जाए। चलिए सबसे पहले मैं फ्रिज में से अरबी की सब्जी लेकर आती हूँ। तो चलिए, मैंने रात ही को उसको अच्छे से काट के रख लिया था, मतलब काटा तो नहीं, उसको छील के रख लिया था अरबी को। तो ये लीजिए, मैंने फ्रिज में से, ये रही मेरी अरबी, अच्छे से देख लीजिए इसको। ये मैंने पहले से ही छील के रखी हुई है, तो अरबी को छीलना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक मिनट, मैं फ्रिज बंद कराती हूँ। तो वेल, आई एम बैक। तो इसको मैंने अच्छे से छील के रखा है, पर लेकिन अभी थोड़ी गंदी हुई पड़ी है, इसके ऊपर ये कुछ लगा हुआ है, तो इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वेल, वॉश करने से बेटर रहेगा फ्रेंड्स कि आप इसको ना अच्छे से क्लीन कर लो किसी कपड़े के साथ, क्योंकि वॉश करने पर क्या होगा, इसमें से कुछ ना स्टार्च जैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत चिपचिपा सा कुछ स्टिक स्टिक निकलता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो क्या करना है, आपने अच्छे से इसको काट कर, रुकिए शो यू, आपने इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ कपड़े के साथ, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करने लगी। रुकिए, ये लीजिए, अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो ये जो इतनी अरबी मैंने काटी है, इसको भी क्लीन करना है, तो थोड़ा थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं हम। क्लीन करके इसको कुकर में डाल दीजिए, काटना नहीं है ऐसे बिल्कुल भी, इसको एज इट इज आपने कुकर में डाल देना है। आई थिंक थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा ही गंदी हुई पड़ी, क्या करें, थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। तो मैं अभी इसको पानी में वॉश कर ही लेती हूँ, तो अभी बेटर है। तो अभी इसको ऐसे अच्छे से करके इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, अरबी को छील लीजिएगा और बिना उसको काटे कुकर में डाल दीजिएगा। मैं काफी टाइम बाद ऐसे अरबी बना रही हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली, ऐसे अरबी बनाने के लिए अरबी को पहले सिर्फ अच्छे से वॉश करना होता है, छीलना भी नहीं होता, पर लेकिन अब मैं छील चुकी हूँ तो क्या करा जा सकता है। तो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई दिस वे ऑल्सो। तो ऐसे ही कर लेते हैं हम, क्या फर्क पड़ता है, बनने के बाद तो सब कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो ये लीजिए, मैंने इसको वॉश करके इस कुकर के अंदर डाल लिया है। ओके, ये डाल दिया इसको कुकर के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा मतलब पानी डालूंगी, बिल्कुल जरा सा, कि जैसे थोड़ी सी गीली सी हो जाए, ज्यादा पानी नहीं डालना, मतलब कि आपको सिर्फ 2 या 3 चम्मच जितना पानी इसके अंदर डालना है, क्योंकि काफी सारा पानी तो जब मैंने अरबी को वॉश किया था उसी के साथ ही इसके अंदर आ गया होगा। तो ये मेरा स्टाइल है अरबी बनाने का एक। तो अब क्या करेंगे हम, इसको गैस को चलाएंगे और इस पर कुकर में रखेंगे। ओके, सो ऐसे ही बिना कटी पूरे के पूरे चंक्स के अंदर मैंने अरबी को इसमें डाल दिया। बंद कर देते हैं इसको, इसको दूध को बाहर रख देते हैं। चलो अब क्या करें हम, थोड़े से अनियंस ले लेते हैं। तो ये मैं यहां से अनियंस ले लेती हूँ कुछ, फिर से अनियंस हमें काटने पड़ेंगे, और आपको तो पता ही है कि अनियंस काटने कितना मुश्किल काम होता है, मतलब वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क मेरे लिए तो होता है अनियंस को काटना। ये अरबी को काटने के बाद ना इचिंग सी स्टार्ट हो जाती है हाथ के ऊपर, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो बहुत होता है, अरबी को हाथ लगाते ही मेरे, माय हैंड स्टार्ट्स इचिंग से, बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही है इस टाइम। थोड़ा धो लेते हैं फिर से हाथों को। चलिए, अच्छा जितनी देर ये अरबी रखी हुई है मैंने, तो उतनी देर के लिए इन अनियंस को मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से इसको छील लेते हैं हम फटाफट से।
तो अनियंस कितने लेने हैं मेरे? थोड़े, कोई छोटा है कोई बड़ा है? अगर आपके पास सारे बड़े साइज के अनियंस हैं तो आप 3 अनियंस ले लीजिए, अगर सब छोटे छोटे साइज के अनियंस हैं तो आप कम से कम 7 to 8 अनियंस ले लीजिए, मीडियम साइज के हैं तो 4 to 5 ले लीजिए। ये मेरी 1 kg अरबी थी तो उसके हिसाब से मैं अनियंस ले, अनियंस का तो क्या है आप जिसमें थोड़े ज्यादा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको छील लेते हैं। ओह माय गॉड, माय हैंड्स आर रीचिंग सो मच। अरबी की सब्जी बनाना एक तरफ, खाना एक तरफ, और इसको काटना एक तरफ। चलिए अब इसको पैक करते हैं। इनको थोड़ा वॉश कर लेती हूँ मैं। जिंग अभी तो कोई काट देना तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो आपके हाथों पर तो जो ईचिंग करेगी बुरा हाल वही देखने वाला होगा। ओ गॉड, हाथ लगाते ही अरबी में ऐसा स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके अंदर इन अनियंस को कट कर लूंगी। अच्छा, कैसे कट करेंगे वो देख लो। ऐसे आपने बिल्कुल बारीक नहीं काटना, इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे क्यूब्स में रहने देना, मोटे मोटे से, लाइक दिस। ऐसे काटना आपने इसको, बिल्कुल ऐसे मोटा मोटा सा काटना है आपने इसको, छोटे छोटे इसके पीसेस नहीं करने, ऐसे क्यूब्स के अंदर इसको रहने देना है। सो मैं यहाँ अनियन को इस तरह से काट रही हूँ। चलिए काट लीजिए अनियंस को इस तरह से। हो गया। तो अभी खैर हम एक कढ़ाई लेंगे। वेट, गिर गया। चलो अब इस कढ़ाई को हम रख लेते हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा चिमनी चलानी पड़ेगी क्योंकि अभी मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप मस्टर्ड ऑयल को यूज करें। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे हम इसमें और फिर हम एक्चुअली, चलो थोड़ी कम स्पीड पर ही सही, पर मुझे चिमनी चलानी पड़ेगी एंड थोड़ा चिमनी का डिस्ट्रेक्शन रहेगा क्योंकि इसकी आवाज आएगी बीच बीच में आपको, तो चलो कोई बात नहीं। पर देखिए बाहर बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। जस्ट शो यू, आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं, पर इस टाइम बाहर बहुत अच्छी रेन स्टार्ट हो गई है। दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ विंडो से दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले कोई बारिश नहीं थी, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है। 2-3 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही थी, लग ही रहा था कि रेन आएगी। दिस रीचिंग ऑन माय हैंड इज जस्ट बर्निंग, बहुत ज्यादा हो रही है। वेल, जितनी ये तेल थोड़ा सा गर्म हो रहा है, और इस अरबी को आपने जस्ट 1 सीटी आने से पहले ही बंद कर देना है। बिल्कुल 1 सीटी आएगी मैं इसको बंद कर दूंगी, नहीं तो आपकी अरबी बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी और हलवा बन जाएगी। वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरी अरबी पक जाए पर लेकिन वो हलवा मत बने, बिल्कुल पीसीज में ही रहे, ठीक है। तो आप भी इसमें 1 सीटी भी आने वाली है, और जैसी 1 सीटी आने वाली होगी मैं इसको बंद करने वाली हूँ।
तेल भी गर्म हो रहा है। ये जी कुकर में एक सीटी आ गई है, मैं बंद कर रही हूँ उसको, ठीक है। एक ही सीटी आने पर इसको बंद कर देना। ये तेल भी अब गर्म हो रहा है, मतलब गर्म है ये तो। इसको अब हम अरबी को कुकर के प्रेशर के अंदर ही रहने देंगे कि अगर इसमें थोड़ी बहुत ही कमी है तो वो अच्छे से कुक हो जाए। एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने अभी विंडो खोली थी ना तो एक मधुमक्खी आ गई है किचन में, और अभी वो यहाँ पर सिर्फ देख के शीशे के ऊपर बैठी हुई है और सोच रही है कि कैसे बाहर निकलूं। दिखिए आपको, ये देखो, अब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। पहले हम खाना बना लेते हैं, फिर सोचते हैं इसके बारे में कि क्या करना है इसका। अब बाहर निकालेंगे इसको और क्या करेंगे, फिलहाल उसको बैठी रहने देते हैं। या थोड़ी सी मैं नीचे से विंडो खोल देती हूँ तो शायद ये अपने आप निकल जाए। ओके, मैंने थोड़ा विंडो को खोल दिया है। चलिए अभी गर्म हो गया थे, इसके अंदर हम अनियंस डाल लेते हैं। जैसे ही क्यूब्स में कटेड है अनियंस, इन्हीं को मैं एज इट इज इसमें डालूं। दिस इज रियली वेरी डिफिकल्ट, ध्यान से डालिएगा। गरम गरम तेल के अंदर ही सामान डालना ना बड़ा मुश्किल का होता है। चलिए इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं हम। अनियन सब मेरे कुछ हो रहे हैं, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि आप एक कटोरी लीजिए, जिसे मैंने एक कटोरी ले ली, और अब इस कटोरी के अंदर हम, चलो अभी कटोरी ले ली हमने, अब इसके अंदर गिरने लगी है अभी थोड़ा सा केचप डाल। तो ये है मेरे पास टमाटो केचप, आपके पास कोई सा भी कैचअप हो, किसान टमाटो कैचअप है आपके पास, आप घर में अगर टमाटो सॉस बना सकते हैं तो वो यूज कर लीजिए, मैं तो रेडीमेड वाली यूज कर रही हूँ। इसको डालेंगे हम इसके अंदर, लगभग इतने तो जाएगी ये, यस इतना तो जाएगा। अच्छा सोया सॉस, आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे पास अभी फ्रिज में पड़ा हुआ है या नहीं, अगर आपके पास सोया सॉस भी हो तो वो भी डाल सकते, मैं चेक करके आती हूँ इसमें। ठीक है, तो यस सोया सॉस पड़ा हुआ था तो इसको भी एक दो ड्रॉप्स हम इसमें डाल देते, ज्यादा नहीं डालना क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो जस्ट 6 to 7 ड्रॉप्स मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस, नहीं तो आपका जो सब्जी का फ्लेवर है वो कड़वा हो जाएगा। इसको वापिस रख खाते हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर अब इसको मिक्स करने के लिए मैं एक फोक का यूज कर, फोक में बाहर पड़ा है, मुझे देखे आना पड़ेगा। ये लीजिए, फोक से हमेशा मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये मैंने सोया सॉस और टमाटो केचप को मिक्स कर लिया, अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दूंगी, क्योंकि बहुत गाढ़ा पेस्ट है ये, इतना गाढ़ा हमें नहीं चाहिए, थोड़ा पतला ही चाहिए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर हो तो आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हो, कॉर्नफ्लावर को पानी के अंदर मिक्स करके आप वो भी यूज कर सकते हो, जैसे आप मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए करते हो। तो ये हो गया हमारा तैयार सॉस का काम, तो साफ कर देते हैं थोड़ा। अच्छा हम इसको थोड़ा हिलाने, डन। अभी हो रहे हैं, आपने अनियंस को बहुत ज्यादा कुक नहीं कर देना बिल्कुल ही, इसको थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए अनियंस में, इतना रखना, और साथ ही साथ आप
इसको हिलाते ही रहना, जस्ट पानी पी लूं मैं, मुझे प्यास लगी है। अभी ये अनियंस बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज्यादा कुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आइए ये देखिए, अभी ये अनियंस कुक है अच्छे से, जैसे मुझे चाहिए वैसे कुक हो चुके हैं अभी ये। अब मैं इसके अंदर अपना ये सॉस को डालू, अब इसको आपने पकाना कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अनियंस कुक है, सॉस भी कुक होती है, तो अभी इसमें सॉस मेरी थोड़ी बाकी थी तो मैं इसको भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो ये मेरा सारा का सारा सारी सॉस मैंने इसमें डाल दी है, तो इस तरह से इसमें डाल दीजिए सॉस को। जस्ट फील द अरोमास, टू डिलीशियस। अच्छा, इसमें जो सॉल्ट है वो थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमारे सॉस में भी ऑलरेडी सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट को थोड़ा सा सोच समझ के डालना है। अभी मैं थोड़ा ही डालती हूँ, फिर देख लेंगे बाद में, अगर और डालना हुआ तो डाल लेंगे, बस इतना ही हुआ था आई थिंक। और दिस रेड चिली पाउडर, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं भी डाल सकते, ठीक है। ये भी हो गया, रख दो। चलिए, अभी आपने इसको कुछ कोई कुक नहीं करना ज्यादा देर तक, इसको कि आप सोचे कि इसको कुक कर लेते हैं, सिर्फ आपने इतना सा करना है कि 2 मिनट के लिए काफी होगा, जरा जरा सा इसमें बॉयल दिखे तो आप इसको बंद कर दीजिए। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, डन, खोलते हैं एंड लेट्स सी कि मेरी अभी थोड़ी कुक हुई है या इसको अभी थोड़ी देर और रखना है। वेल फ्रेंड्स, अभी में ऐसा है कि थोड़ी सी कसर बाकी लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा पानी डालती हूँ मैं इसमें और इसको मैं दोबारा गैस के ऊपर रखूंगी, दोबारा रखना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये अभी अच्छे से कुक नहीं हो पाई। ओके, जाओ देख लो। अच्छा, जितनी देर ये काम हो रहा है, यहाँ ये तो पक चुका है, इसको बंद कर देते हैं, इसको उतार देते हैं यहाँ से। चलिए, अभी मैं क्या कर लेती हूँ, अभी ना मुझे रोटी भी बनानी है सब्जी के साथ, तो आई थिंक वो बनाना मुझे शुरू कर देना चाहिए क्योंकि हम नहीं तो लेट हो जाएंगे लंच के लिए। सो थोड़ा तवा रख लेते हैं गरम, फटाफट से काम करते हैं हम, खत्म। ओके, चलिए, एंड टू थिंग्स रिक्वायर टू मेक चपाती, सो ऑब्वियस। चलिए जाओ फ्रेंड्स, फटाफट से रोटी भी बना लेते हैं, आटा मेरा पहले से गूंदा पड़ा है तो मुझे ज्यादा देर नहीं लगने वाली रोटी बनाने के लिए, तो फटाफट काम खत्म करते हैं हम, जो हमने रोटी बनानी है उसका भी। वेल, और किस से बना बना के हम रखने वाले हैं रोटी को। चलिए चलिए, और ऑफकोर्स दिस ड्राई फ्लावर। आप लोगों को लंच बनाने में कितनी देर लगती है? मुझे तो 1 घंटा लग जाता है सब काम खत्म करते करते। ले लीजिए फटाफट से, हम रोटी बना लेते हैं। सो दिस इज हाउ आई मेक अ चपाती, यू कैन सी द गोल राउंड चपाती, put it here and then so
So in total I have to make 6 chapatis. My one is on the flame already. और जितनी देर ये बन रही है चपाती, अरे मक्खी आ गई, रुकिए जरा, ये मेरा मक्खियां मारूंगी मैं अभी, इससे कहा है मक्खी। गई मक्खी, अब नहीं आएगी वो। ये रोटी तो बनने वाली है आई थिंक। तो बना लेते हैं ऐसे, दिस गोल गोल रोटी इज रेडी। सो हु एल्स इज हंग्री, फटाफट से खाना तैयार कर लेते हैं बिफोर इट्स टू लेट। लेट मी पुट सम घी ओवर द रोटी। ये हो गया ओके। ऐसा ही करा करिए आप भी, जब जितनी देर आपका सब्जी तैयार हो रहा है उतनी देर में आप अपनी रोटी तैयार कर लीजिए। Why to waste the time? और फिर आराम से बैठ के खाइए उसको। तो आई डोंट प्रेफर टू यूज अ चकला, मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता है चकला। आई कीप माई शेल्फ सो नीट एंड सो टाइडी, मैं इसको अच्छे से क्लीन रखती हूँ सो दैट आई कैन यूज इट डायरेक्टली फॉर मेकिंग माई रोटी। चकले पे यूज करना ना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, सो आई मेक रोटी लाइक दिस ओनली। सो माई फुल्कास आर गेटिंग रेडी वन बाय वन। दिस इज द नंबर 2 फुल्का गोइंग इन द कैसेरोल। नेक्स्ट, चलिए वीडियो को पॉज करते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं फटाफट से सारी की सारी चपातीस बना लेती हूँ। तो ये लीजिए बस मेरी रोटी बन गई एंड दिस इज जस्ट द लास्ट रोटी ऑन द तवा, को फटाफट से हम बना लेते हैं एंड आई एम डन फिनिश। और ये कुकर में अभी को बंद कर देते हैं अब हम, और इसको भी रख देते हैं क्लीन करके। हैंड्स आर डर्टी सो लेट्स क्लीन देम, वॉश देम। ये लीजिए हाथों को धो लिया मैंने, वाइप कर लेते हैं। चलिए मुझे ये चपाती सार कैटिंग रेडी। सो माय चपातीज आर रेडी। सब्जी का अभी देखना पड़ेगा हालचाल क्या चल रहा है, कितना पक गया कितना रह गया। तो इसको तो कैसेरोल को मैं रख देती हूँ अभी। अच्छा अब देखिए ये अभी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है आप देख सकते हैं, और अब हम इसको रख देते हैं। और साथ साथ हम क्या करेंगे,
एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। आई थिंक दिस मच ऑफ ऑयल इसमें हम गरम करेंगे, उसको अच्छे से गरम होने दीजिए। अब जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा आपने क्या करना है, इसके अंदर इसको फ्राई होने के लिए डालना है इन अरबियों को। तो ये फिलहाल बहुत गर्म है तो थोड़ा केयरफुली किसी चीज के साथ उठा लेते हैं, या तो हम इसको आई थिंक एक फॉक चाहिए होगा मुझे, मैं इसको लेके आती हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूँ के ठंडे होने का। तो बहुत केयरफुली मैं फॉक के साथ इसको डाल रही हूँ, बहुत आराम से डालिएगा इसको। चाहे तो आप इनको थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर के साथ कवर भी कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया क्योंकि कॉर्नफ्लावर में भी बहुत सारा स्टार्च होने वाला है और इस अरबी में भी ऑलरेडी इट इज फुल ऑफ स्टार्च, तो इतना स्टार्च इज नॉट गुड। तो मैं इसको जब कैसे थोड़ा फ्राई कर रही हूँ अंदर डाल के, बहुत केयरफुली करिएगा गाइस। देखिए अभी फ्राई हो रही है अरबी, तो पहले अरबी को मैंने कुकर में किया एंड देन इट्स डीप फ्राइंग। तो ये मैं बहुत 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 रेयर बनाती हूँ, साल में एक ही बार ऐसी अरबी बनती है मेरे घर में, अदरवाइज वही जो अपना सिंपल मेथड होता है अरबी बनाने का, मैं वही मेथड यूज करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्राइंग हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। तो मैं इस मेथड से अरबी बहुत रेयर बनाती हूँ। तो आज जैसे अरबी फ्राई हो जा रही है इनको मैं निकाल दूंगी। डोंट वरी कि आपकी अरबी कच्ची रहने वाली है क्योंकि वो कच्ची तो किसी कीमत पर नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी अच्छे से कुकर में उसको आप ऑलरेडी पका चुके हैं। तो ऐसे आप सारी अरबी को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अच्छा तो फ्रेंड्स इसको फ्राई करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अरबी कितनी चिपकी चिपकी सी लग रही है, लेकिन जब आप इसको फ्राई कर लोगे तो यू विल हैव पीसेस लाइक दिस, ऐसे बिल्कुल आप फ्रिटर्स जैसे बन जाएंगे आपके पास। तो ये चिपकेगी नहीं एक दूसरे से जब आप खाएंगे, तो नहीं तो आपकी सब्जी में बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से चिपकी हुई अरबियां और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी वो खाने में, हलवा लगेगी बिल्कुल अरबी का हलवा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने अरबी को अच्छे से फ्राई करके निकाल दी है, ये देखिए अभी जो हमने स्टार्टिंग में ये आपका ग्रेवी तैयार करी थी आपको पता ही होगा, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, तो इसके अंदर अब हम इस फ्राई की हुई अरबी को डाल देंगे एंड यू आर डन। मैं अब इसके अंदर इसको डाल रही हूँ। ओके इसके अंदर अरबी को डालते जाएंगे। इस तरह से जब आप अरबी बनाएंगे आई एम श्योर कि घर में सबको ये इतनी पसंद आएगी कि दे विल डिमांड इट अगेन, वैसी अरबी फिर से बनाई जाए। लेकिन लेट मी टेल यू कि आप इस तरह अरबी जब आप बनाएं तो थोड़ा अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कम ही बार इसको बनाइएगा प्लीज, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्राई किया गया है, सॉस भी डाला गया है। पर लेकिन वंस इन अ व्हाइल जब अरबी का सीजन आता है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई भी हर्ज नहीं होगा इसको बनाने में। क्योंकि मैंने भी आज ही बनाई है, इससे पहले मैं सिंपल ही मेथड से अरबी बना रही थी, जो हमारा इंडियन वे है बड़ा सिंपल सा अरबी को बनाने का, उसी मेथड से मैं अरबी बनाती हूँ बस आज ही मैंने। तो अभी इसको रख देती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं गाइस, रुकिए। ये देखिए ये अरबी अब अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है, इसको ज़्यादा देर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अरबी भी ऑलरेडी कुकड है, आपके सॉस भी ऑलरेडी कुकड है, बस इसको आप बंद करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, इतना ही काफ़ी है। सो फ्रेंड्स ये थी
मेरी स्टाइल में बनाई गई अरबी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। बाय बाय।